में सभी महापुरुष मन के चरण कमल में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, शिक्षा के जोत जलाने वाला ज्योतिबा फुले साहब, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, आज मैं सबसे एक बार निवेदन करी हूं, जेकर आशीर्वाद से, जेकर करुणा से, जेकर दया से आज हम सब इस विश्व में हमन फूलतन फलतन आगे बढ़तन, ऐसे गुरु बाबा के जोरदार ताली बजा करके हम स्वागत करो, प्रणाम करो। से बोले गुरु घासीदास बाबा की जोड़ा जात खाम की गिरौदपुरी धाम की। मंच विराजमान और मार्गदर्शक और पिता तुल्य बड़े भैया आदरणीय राजा साहब जितेंद्र बहादुर जी, ये गांव के सरपंच, जे सरपंच नहीं रहे तबोले सामाजिक कार्य में हमेशा तत्पर रहने वाला आदरणीय बड़े भैया वृंदलाल धीवर जी, मंच विराजमान जब ले ये हमर तहसील के 17वीं समाज के अध्यक्ष बने हैं, तो अभी मैं सुनत रहे गानाला सतनामी बघवा, ऐसे हम सबला करुणा से आगे बढ़ाना, बघवा से नहीं रास्ता बना करके आगे बढ़ाना है वाला मोर बड़े भैया आदरणीय देवा लहरे जी। आज के कार्यक्रम के संचालक आदरणीय मोर बड़े भैया मोहन मणि जाटवर जी, आदरणीय मोर छोटे भाई पूर्व जनपद के उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश खूटे जी, मोर एक गौ छोटे भाई अति प्रिय अशोक जांगड़े जी, आज गुरु घासीदास जी के विचार सबके लिए ज्ञान बांटत रही से कोई भी समाज के रहे, आज हमारे देखे में मिला थे कि हमारे मंच में हमारे मिश्रा समाज के भी मन बैठे महाराज के मन, आदरणीय मिश्रा जी, आदरणीय हमर नयन दीदी, आदरणीय हमर हमर जुन्ना भैया राजेंद्र जी, आदरणीय हमर जेहर अभी मोला भेटी तक कहत रही से राम कुमार तय विधायक बने हैं, तब मैं गुरु जी तल ऐसे लागत थे मोर छोटे भाई बन गए मोर लागत थे, ऐसे करके कहा जिसे मोर भारतीय गुरु जी। आदरणीय मंच में विराजमान है कुर्दा से नाम धर्मो तो बहुत सारा है, आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय प्रमुड़ा से है हमारे चार पारा से भी है, छोटे सिपा से सिंगरा से आदरणीय मोर गुरु जी मन और समस्त आज शोभा यात्रा में निकाल करके गुरु जी के संदेश ला गांव गांव गली गली फैलाने वाला मोर जो है जितना भी युवा साथी है माता बहनी है सब ला मैं कोटि कोटि प्रणाम करता, आप सब ला सादर जय भीम। सम्मानित साथी मन वैसे मोर भैया बोले रही से कि आप ला शोभा यात्रा में आए पर है और गुरु जी के भी प्रसाद लेके आप ले जाए पर है, या किसी प्रकार के कोई विचार के कार्यक्रम नहीं रखे रहे कही, लेकिन भैया मन कहे कि भाई दो शब्द बोल दे का विधायक बने के बाद अगर सबले पहली अगर कोई सार्वजनिक कोई कार्यक्रम में राम कुमार यादव दे थे तो गुरु घासीदास जी के चरण कमल में देखा हुआ ए मोर पहला कार्यक्रम है ओकरे पर सोच करके भैया कहते कि ता दो शब्द बोल दे। मैं कहना चाहता आज आप सबो मन गुरु घासीदास जी के विचार ला आप मन जाना था, आज गुरु घासीदास जी के विचार अमर सत्य जो महापुरुष जन्मे रही से चाहे वह कबीर साहब हो, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले हो, चाहे रविदास महाराज हो, ये समस्त जत्या महापुरुष मन के विचार से वो विचार के आशीर्वाद से एक गरवा चरवार है आज मेरे दो शब्द खड़े के लिए अगर बोला थे ये महापुरुष मन के है देन। हम सौभाग्यशाली ने अपने आप ला कि गुरु घासीदास जी हमारे छत्तीसगढ़ में कत्तागन सीना फूल जाते, जब भारत के विभिन्न राज्य मन कहते कि गुरु घासीदास जी के जन्म कहाँ हुए कहते
ओ में हमर छत्तीसगढ़िया मन के सीना भूल जाते कि हमर छत्तीसगढ़ में जन्म ले रिसावे। ऐसे गुरु जी हर हम सब ला आशीर्वाद दे के हवा, वो आशीर्वाद आज वही बात लेकर के हम सब जो है वही विचार लेकर के हम संघर्ष करतन, आगे लाए के कोशिश करतन। जब भी आप ला हम विचार और रखो और समय आई तो गुरु घासीदास जी जो कह रही से मनखे मनखे एक बरोबर, रोटी कपड़ा और मकान ये तीनों है सब लोग समान। नाना प्रकार के उदाहरण दे करके हम सब समझा रही से ए विषय में हमर गुरु जी मन हमर गुरु घासीदास जी के विचार ला गाँव गाँव फैलाने वाला गुरु मन, आदरणीय हमर नेता मन, आदरणीय मोर अग्रज मन, सबो मन हम सब ला समय ही तो बड़े मेला लगा करके जैसे भी रही ए राम कुमार यादव आप सब बन के लड़का है, पहले भी लड़का रही थे आज विधायक बन के हतल आप मन के लड़का है। मोला आप मन जो है हमेशा इसी प्रकार के लड़का मान के मोला आशीर्वाद देत रही। अभी मोर भैया बोला कैसे मोहन मणि जाट।